स्वामी, आपके दर्शन के लिए ये लोग बहुत लंबे से आए हैं। बरसों की मिन्नतों के बाद एक बेटी हुई थी स्वामी, उसकी शादी की उम्र हुई और वो हमें छोड़कर चली गई। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसी का कारण जानने हम आपके पास आए हैं स्वामी जी। स्वामी का बॉडी इधर है लेकिन आत्मा तुम्हारी बेटी को ढूंढने गया है। इनका कब कभी देख के तुम लोग डरने का नहीं? हाँ, अपनी हवस की आग बुझाने के चक्कर में उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया उन्होंने। उसकी आत्मा तड़प रही है, अपनी मृत्यु का बदला लेना चाहती है वो। एक खून के बदले उन चारों को मौत के घाट उतारने के लिए बेचैन है। किसी को मत छोड़ना, सबको मार देना गरुड़ा महाराज। इस आने वाली अमावस्या को वो चारों इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ जाके। डॉक्टर सुजाना, मेरी पीठ खुजाना। व्हाट? मैं बन गया हूँ तेरा दीवाना। मामा स्कैन मत कर, तेरा एक्सरे निकाल लेगी। अरे दाड़ी भाई, कब पधारे इधर? अभी अभी। अरे सुजाना, इनका हाथ सूज गया है, तुम इन्हें फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में लेकर जाओ। मैं राउंड लेकर आता हूँ। अपना वाला राउंड? हेलो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, समझे? आ जाओ। अरे माया, तुम यहाँ हो? अश्विन को ट्रीटमेंट कौन देगा? अश्विन को जूनियर डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं सर। नो, पेशेंट लाइक्स गुड लुकिंग डॉक्टर, तुम ही उसे ट्रीटमेंट दोगी। ओके सर। एक मिनट, फॉर बेटर रिजल्ट्स, उसका दारू, चकना, सिगरेट सब बंद करवा दो। ये डायलॉग तो हम लोग सबको चिपकाते हैं ना सर। मेरा इंजेक्शन? नहीं, मेरा इंटेंशन समझो, इसे स्पेशल केस समझ कर जरा दिल से ट्रीट करो, क्योंकि वो पड़ोसी मेरा नेबर है। ओके सर। व्हाट लागली? परी को देखने आया था, लॉरी मिल गई। बहुत हो गया। साइलेंस। चित्रा, इनको मैं ट्रीट करती। ओके। अरे वाह मामा। बालिका मधुमा कितनी छोटी थी, कितनी बड़ी हो गई। हाय अश्विन। हाय। पेन हो रहा है क्या? रोज सुबह उठते ही हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करने का, ऐसा करेगा तो तुम्हारा पेन चला जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जब तक ट्रीटमेंट हो रहा है ड्रिंक को हाथ नहीं लगाने का। मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने हाथ से इसको पिला दूंगा। अश्विन, मैं तुमको अपना समझ के बोल रही है, ड्रिंक करने से तुमको साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल अप डाउन हो सकता है, और तो और हार्ट अटैक आने के भी चांसेस है। माया, इतनी छोटी सी सूजन के लिए इतनी बड़ी उलझन, तुम्हें कितनी फिक्र है अश्विन। डॉक्टर आप ही तो। मैं समझता हूं रे बाबा, इतने प्यार और मुलायम हाथों से कौन सी डॉक्टर ट्रीट करती है। तुम्हारी बीमारी सच में बहुत लकी है अश्विन, लगे रहो, लगाते रहो इंजेक्शन। खिड़की बंद करना मामो। Hi Ashu, love you.
साला को पीछे बिठा दो आराम से। बैठ जाओ। चल चल चल। बोलो अश्विन, क्या बोलना था तुमको? वो ऐसे शर्म आने से काम नहीं चलने वाला। बताओ मैटर क्या है? वो क्या है ना कि पहले मेरे हाथ में खून लगा रहने का। क्यों? बोले तो गुस्से पे आप उनकी कमांड नहीं रहती थी, जो भी मिला तो उसको अपन धूपर डालने का। पहले अपन शेर माफिक था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अपन पोमेरियन माफिक हो गया। बचपन में बहुत सुना था कि पहला प्यार बहुत हार्ड होता है, आज देख भी रहे। पहले आप उनकी लाइफ ऐसी थी जैसे कि बिना चटनी या सांबर के इडली, जिंदगी एकदम झंड थी। वो क्या है ना कि बचपन से आप उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आपन तेरे को फर्स्ट टाइम देखा ना, तो ऐसा लगा कि वो कमी पूरी हो गई। तू आपन की जिंदगी में खुशबू बन के आई है, आपन तेरे को फूल की तरह रखेगा। मैं तुमको बोलने को भूल गया, मैं कल केरला जा रहा है, आके बात करेगा। हेलो मैडम, ये इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है कि एक महीना रुकूं मैं? अरे हाँ बोल के अपनी पार्टी को जिता के सरकार बना डालो ना। अश्विन, एक ही महीने की बात है, मैं वापस आके बोलेगी। अपन समझ गया, तूने अपन को पति मान लिया है, लेकिन बोलने से डरती है ना। माया, आई लव यू। लगता है बत्ती का बिल नहीं भरे। अश्विन, यहाँ से इसी वक्त चले जाओ प्लीज। I love you too बोल दे, मैं चला जाऊंगा। इधर डेंजर है, जाओ। अरे पहले रिप्लाई तो दे, नहीं तो मैं तकिया बिस्तर लेके इधर ही धरना दे दूंगा। I love you baby। अब तो मरेगा, पक्का मरेगा। तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। जिंदगी प्यारी है तो पहले फुर्सत में निकल जा। कल्टी पहले तू कल्टी ले। डॉक्टर, अश्विन का कुछ पता चला क्या? अरे गुरुजी उसका फोन बंद है रे। मतलब उसका काम तमाम हो गया होगा। मेरे को भी यही लगता है। हे नृत्य की देवी, थैंक यू। इस खुशखबरी के लिए कान तरस गए थे, अब तो मैं आराम से अपने घर में चैन की बंसी बजाऊंगा। तीन बत्ती वाला। God bless you, my child. God bless you. You too. लगता है अभी तक I love you नहीं बोला। काय मंडली, मेरे को देख के ऐसे मुंह बना रहे ले जैसे मैं चाइना जाके कोरोना लेकर आया हूँ। इसके लिए कबर खोदी थी, लेकिन ये तो इधर ही खड़ा है ना। मर मत, मुंह सीधा हो जाएगा। क्या बोल रहे? गुस्सा नहीं करते अशु, प्यार करते हैं। तुमने उसको I love you बोला कि नहीं? अरे मामू, एक बार नहीं चार बार बोल डाला। तुम जल्दी से अपने घर पहुँचो, वो भी आती होगी। कौन आती होगी रे? तुम्हारी डॉक्टर, स्वीट हॉट, वो आकर तुम्हारे तुम्हारे बदन की फिजियोथेरेपी करेगी। गुरुदेव, तू है तो पुराना ट्रांसफॉर्मर, लेकिन करंट तुझमें होता है। ये तो गया, बजेगी बीन, उठेगा नाक का फन, ये हो जाएगा दफन। Ugh.
Love you, my. इस पर चुड़ैल का साया है, दरगाह पे ले आना, तावीज बांधूंगा। चुड़ैल का साया? हाँ, ये एक प्यासी आत्मा का काम है। क्या बकवास कर रहे हैं? तुम नहीं समझोगे, डॉक्टर होने के नाते मुझे भी यकीन नहीं था, पर जब सच से सामना हुआ कलेजा हिल गया। पता है हॉस्पिटल में सेम टू सेम किस्सा हुआ, जब एक रोमांटिक डॉक्टर ने माया को प्रपोज किया। कौन है वो बट्टेबाज? डॉक्टर के चीरा लगाने वाले चाकू से चीर डालूंगा। ऐसा ही गुस्सा माया की आशिक आत्मा को आया था, उसने डॉक्टर को मार दिया। ओ। लेकिन इसके पीछे है कौन? एवेंजर गरुड़ा, माया का इकलौता सर्टिफाइड बाप। अरे हर किसी का एक ही सर्टिफाइड बाप होता है, आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है। नाजुक मौके पे पूरा आर्टिकल मत पढ़, हेडलाइन बोल। एवेंजर गरुड़ा, जादुई शक्ति का कॉन्ट्रैक्टर। अरे जादूगर होगा अपने घर का, हमारा अश्विन किसी से कम है क्या? और फिर वो बाप भी है, एक न एक दिन अपनी बेटी की शादी करेगा ही। अरे तो क्या अपने अश्विन में कांटे लगे हैं? अरे डरने का काय को, तू उसको भगा के ले आ। वो धारावीया सायन कोलीवाड़ा में नहीं रहता है, केरला के जंगलों में रहता है। तो रहता होगा, अपना अश्विन डरता है क्या किसी से? यार अश्विन को छठी क्लास में अकेले तिरुपति मुंडन करवा के आया था। मामा, अपन पांचवी तक पढ़े ले। अरे तो चुप रहे भांजे, सुनो, आज ही हम ऑटो में केरला जाएंगे और एक ही हफ्ते के अंदर माया को दुल्हन बनाकर वापस ले आएंगे। मामा, शादी कराने आया या फिर अय्याशी कराने? ये मेरे जिगरी दोस्त का ढाबा है और उसको एवेंजर गरुड़ा का अड्डा भी पता है, तो उसके फ्री होने तक हम लोग गला गीला करते हैं, क्योंकि एक बार तेरी माया से शादी हो गई तो पीने के लिए बहुत तरसेगा। तुम लोगों ने रोज चल्ली होके अपन को अमीर बनाया, यही मेरा दोस्त है। सबको झुक के थैंक यू बोल रहे लाए। मेरा बाप ढाबा संभालते संभालते खुद बेवड़ा बन गया था, इतना घाटा हुआ कि खाली बाटली बेच बेच के सबका कर्जा चुकाया। भगवान की दया से उसको मरे हुए 25 साल हो गए। इस खुशी में दारू चकना सब फ्री। मेरे बापू की।